हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक जॉब एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप के लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे राइट किए जाते हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या लिखने का। ओके, आज हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर कि हम किसी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन कैसे देंगे, यानी कि दूसरी अगर शब्द में कहें तो इसे हम कवरिंग लेटर भी कहते हैं। आइए बात करते हैं। ए जॉब एप्लीकेशन लेटर आल्सो कॉल्ड ए कवर लेटर इज रिटन टू अप्लाई फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोफाइल ये है और मैं इस कंपनी में इस पोजीशन पर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो एक कवरिंग लेटर हमें तैयार करना होता है। इट इज़ ए पर्सेसिव मैसेज दैट सेल्स द एप्लीकेंट्स टैलेंट्स टू ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। ये एक मैसेज है, राजीनामा जैसे कह सकते हैं, एक राजीनामा है, एक मैसेज है जो क्या कर वो दैट सेल्स जो एप्लीकेंट्स के टैलेंट को सेल करने के लिए एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय देने वाला है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, एक ऑफर देता है कि ऐसे ऐसे मेरा टैलेंट ये है और मैं आपके कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। ओके, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी जॉब एप्लीकेशन इज टू ड्रॉ ए क्लियर कनेक्शन बिटवीन द जॉब। ठीक है, जो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो जॉब एप्लीकेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ड्रॉ ए क्लियर कनेक्शन, एक क्लियर कनेक्शन ड्रॉ करना बिटवीन किसके बीच में, जॉब वन इज सीकिंग जो जॉब ढूंढना है उसके बीच में, एंड जॉब क्वालिफिकेशंस और जो जॉब की क्वालिफिकेशन है उसके अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन और उसके अकॉर्डिंग जॉब ढूंढना, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है हमारा। इट सर्व सेवरल स्पेसिफिक पर्पज, इसके कुछ सेवरल स्पेसिफिक पर्पजेज हैं। इट इंट्रोड्यूस, कौन कौन से पर्पज हैं, पहला है इंट्रोड्यूस द एप्लीकेंट टू द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एप्लीकेंट अपने आप को इस लेटर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसे हायर करे। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस द एप्लीकेंट्स रिज्यूमे। ठीक है, एप्लीकेंट्स का जो रिज्यूमे है वो इस एप्लीकेशन लेटर के साथ ही अटैच होता है और अपने लेटर को अपने रिज्यूम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज हाईलाइट्स द एप्लीकेंट्स पॉजिटिव पर्सनल ट्रेट्स एंड अचीवमेंट्स। इसमें हम अपने या जो भी हमारा एप्लीकेंट है जो आवेदन करने वाला है वो अपने पॉजिटिव पर्सनल ट्रेट्स और अचीवमेंट्स, अपनी मजबूती और अपने उपलब्धियों को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट इज शोज हाउ द एप्लीकेंट्स स्पेशल टैलेंट विल बी बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी शो करता है कि जो एप्लीकेंट है उसका स्पेशल जो टैलेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट कर सकता है, इसे भी ये भी शो किया जाता है इस एप्लीकेशन में। नेक्स्ट एम्फेसिस हाउ द एप्लीकेंट इज राइट फॉर द जॉब बाई मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब विथ क्वालिफिकेशन, और ये भी इम्फेसिस किया जाता है कि जो जिस क्वालिफिकेशन जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है या नहीं, और उसका जो उसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के मैचिंग के अकॉर्डिंग उसके लिए राइट जॉब है या नहीं। जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट में किसी ने ग्रेजुएशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, PhD मांगा है, तो वो उस क्वालिफिकेशन पर खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है, इस चीज़ को भी शो करना होगा। नेक्स्ट इज आस्क फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरव्यू
ऑर्गेनाइजेशन से इंटरव्यू की एक अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम इसमें लेटर में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। द की कंपोनेंट ऑफ ए जॉब एप्लीकेशन लेटर आर, इसके की कंपोनेंट क्या हैं? पहला है गेनिंग अटेंशन। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन लेटर होना चाहिए हमारा, जॉब एप्लीकेशन लेटर ऐसा होना चाहिए कि जो जिसे हम भेजें वो उसमें थोड़ा अटेंटिव रहे, उसे पढ़ने का इच्छुक हो। बिल्डिंग इंटरेस्ट, और उस लेटर में ऐसा शो होना चाहिए कि आप एक इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इस जॉब को करने के लिए। एंड शोइंग द वर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट अपने मूल्य को भी उसमें शो कर सकता है, वो कितना इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से। एंड मोटिवेटिंग एक्शंस, और कुछ मोटिवेटिंग एक्शंस भी इसमें शो किए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कह सकते हैं कि हम, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं आपके इस वर्क को इस तरीके से कवर अप कर सकता हूँ, इस तरीके के हम मोटिवेटिंग एक्शंस भी इसमें कर सकते हैं, शो कर सकते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर्स में। सो राइटिंग ए जॉब एप्लीकेशन लेटर मे इन्वॉल्व द केयरफुल सेल्फ एनालिसिस, इसमें जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है इसमें हम खुद का एनालिसिस करते हैं केयरफुली, ठीक है, जो हमारे टैलेंट हैं, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हमारे स्किल्स हैं, उन्हें हम इस जॉब एप्लीकेशन लेटर के द्वारा शो करते हैं। द एप्लीकेंट्स The applicant should evaluate the academic and professional qualification, जो applicant है उसे अपनी academic और professional qualification का evaluation करना चाहिए, evaluate करना चाहिए। learned and intuitive skills, और अपनी जो learned और intuitive skills हैं, ठीक है, उनके बारे में भी evaluation करना चाहिए। special trait और strength के बारे में evaluation करना चाहिए। experience and career goal, इसके बारे में भी हमें इस जॉब लेटर में इवेलुएट, जॉब लेटर में इसे इवेलुएट करना चाहिए। ए लेटर ऑफ ए एप्लीकेशन इज सिमिलर टू ए सेल्स लेटर, ठीक है, एक जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो एक सेल्स लेटर की तरह ही होता है। एंड इट शुड बी ऑर्गेनाइज वेरी टैक्टफुली, और जैसे सेल्स लेटर हमारा टैक्टफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें हमें प्रोडक्ट बेचना है, इसमें क्या है जॉब एप्लीकेशन लेटर में, इसमें हमें अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को सेल करना है, तो ये भी हम एक टैक्टफुली तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें हम सारे अपनी इफ़ेक्टिव जो हमारी स्किल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मोटिवेटिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अपने। It should be organized very tactfully because the readers is under no obligation to call the applicants for interview. इसलिए करेंगे क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसके मन में ऐसा कोई obligation ना हो कि वो आपको interview के लिए call ना करें। Okay? तो ऐसा हमारा impression होना चाहिए इस letter का कि interview के लिए ज़रूर वो reader है वो हमें call करे। The job application letter may be organized into three parts. जो job application letter है वो तीन parts में organize किया जाता है। First is opening that gain the reader's attention. Opening ऐसी होनी चाहिए कि reader जो पढ़ने वाला है उसकी attention को gain करे। Body में क्या लिखना है? The build the reader's interest and convince that reader that the applicant is the best candidate. बॉडी में ये हमें कन्विंस करना है कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए जो एप्लीकेंट है वो सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है, बेस्ट कैंडिडेट है उस जॉब के लिए। ये हमें बॉडी में पूरा डिस्क्राइब करना है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, टैलेंट के आधार पे, स्किल्स के आधार पे, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें इसमें सो बॉडी में करनी होंगी हमें लेटर के। क्लोजिंग में क्या करेंगे? दैट मोटिवेट द रीडर टू एक्ट, और क्लोजिंग में हम इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वैसे होता है गुडविल के साथ, इसमें क्या है हम रीडर को मोटिवेट करते हुए एक्ट करने का कि हम कि मेरे साथ मोटिवेटिंग
सपोर्टिव एक्ट किया जाए, इस तरीके से हम लेटर को क्लोज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा लेटर ये यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं, नया टॉपिक है हमारा, वो शुरू करते हैं, देखते हैं। आइए, नया टॉपिक इज़ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ए रिपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस टू मीट ए स्पेसिफिक नीड। जो रिपोर्ट है हमारा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, और पर्टिकुलर नीड को मीट करने के लिए हमें रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं, ए रिपोर्ट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ए स्पेसिफिक नीड, पर्टिकुलर नीड के लिए हमें रिपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इट मे कंटेन फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन प्रोजेक्ट और प्रोसेस एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ कुछ फैक्ट्स कंटेन किए जाते हैं, जैसे सिचुएशंस के बारे में कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट चाहिए, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एंड एनालिसिस और किसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा का इंटरप्रिटेशन से चाहिए तब भी हमें रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, इवेंट्स की रिपोर्ट चाहिए, किसी रिकॉर्ड की रिपोर्ट चाहिए, रिकॉर्ड सपोज मान लीजिए अटेंडेंस रिकॉर्ड है किसी का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कोई इवेंट हुआ है उसकी ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए कि इस इवेंट में कब क्या क्या हुआ, डेटा की रिपोर्ट चाहिए कौन सा डेटा कहाँ पर है, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिपोर्ट्स में इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिपोर्ट में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। दे आल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो सारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में का हेल्प करते हैं, बाय आंसरिंग क्वेश्चन एंड डिटरमाइन वे ऑफ इम्प्रूव सर्टेन सिचुएशन, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देकर और कुछ सिचुएशंस को डिटरमाइन करके इम्प्रूव करके रिपोर्ट्स को यूज़ किया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट फॉर एनी प्रोफेशनल लाइज द इन द फैक्ट दैट ए नंबर ऑफ बिजनेस डिसीजन एंड रिसर्च कंक्लूजन। जो इम्पोर्टेंस है रिपोर्ट की वो ये है, मोस्टली बिजनेस में इसका यूज होता है और बिजनेस डिसीजंस में और रिसर्च कंक्लूजन में रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा खेल है। रिपोर्ट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और रिकमेंडेशन, और जो इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी है, रिकमेंड करनी है, उसके आधार पर हमारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। रिपोर्ट्स के कई सेवरल पर्पज़ हैं, कल इन पर्पज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।